अलगू दोस्तों सेंटेंस ऑफ द डे के साथ मैं दोबारा हाजिर हूँ आज थोड़ी सी बात मैंने ये भी करनी है कि इस चैनल पे यानी सी स्कूल जो हमारा चैनल है इस पर मैं आपके लिए डेली इंग्लिश की तैयारी के लिए लेक्चर्स अपलोड करता रहता हूँ और इसके अलावा फ़ेसबुक पेज पे भी आपको काफ़ी कुछ मिल सकता है गवर्ड जॉब प्रिपरेशन के नाम से पेज है आपसे गुजारिश है कि आप चैनल एफ सी स्कूल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें ताकि आप अपडेट रहें तो चलिए इसके साथ ही अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं हमारा आज का सेंटेंस जो है इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसमें बहुत कुछ हम सीखेंगे साथ मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफी अच्छा लगेगा सेंटेंस है हमारा थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ हाँ जी सेंटेंस ऑफ द डे आज है इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में से द प्राइम मिनिस्टर्स ओथ टेकिंग सेरेमनी हैज ब्रॉडकास्टेड ऑन टेलीविजन दोस्तों इसके चार पार्ट्स बना रखे हैं आपने बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है और आपने ये भी बताना है कि एरर जो आप बता रहे हो उसके पीछे कोई लाजक भी है या नहीं तो सबसे पहले तो यह है कि आज का जो सेंटेंस है इसमें वो क्या कह रहा है इसमें वो कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की वज़ी अजम साहब की जो हलफ बरदारी की जो तकरीब थी वो टेलीविजन पर नशर हो चुकी है तो आप देखें कि ग्रामर के हिसाब से सेंटेंस ठीक है सबसे पहले मैं पहला पार्ट पढ़ता हूँ सेंटेंस का द प्राइम मिनिस्टर्स द प्राइम मिनिस्टर्स क्या यहाँ पे दा आना लाजमी था या दा के बगैर भी सेंटेंस चल सकता है सबसे पहला तो ये क्वेश्चन है तो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जब आप किसी का टाइटल यूज़ करते हो तो उसके साथ आप दा यूज़ कर सकते हो और नहीं भी कर सकते आपकी चॉइस है ऑप्शनल है आप द यूज़ कर रहे हैं या नहीं ऑप्शनल है मुकम्मल तौर पर अगर आप आर्टिकल द यूज़ करोगे तो जो उसके बाद टाइटल है वो जस्ट एक डिस्क्रिप्शन के तौर पर कंसिडर होगी और अगर आप आर्टिकल के बग़ैर किसी का टाइटल लिखते हैं तो तब वो वहाँ पे एक प्रॉपर नाउन के तौर पर कंसिडर किया जाता है ठीक है अगर आप आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद जो आपका टाइटल है वो यूज़ होगा एक डिस्क्रिप्शन के तौर पर ठीक है और अगर आप आर्टिकल डाक या कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं कर रहे तब आपका जो टाइटल होगा वो यूज़ होगा एक प्रॉपर नाउन के तौर पर यानी वो फिर प्रॉपर नाउन के तौर पर उसको हम ट्रेट करेंगे तो दोनों तरह से ही सही है चाहे आप आर्टिकल यूज़ कर लें या ना यूज़ करें लेकिन याद रखिएगा अगर आप आर्टिकल को यूज़ नहीं कर रहे ठीक है और टाइटल को एक प्रॉपर नाउन के तौर पर आप ट्रीट करना चाह रहे हैं तो आपको ये फिर देन में रखना है कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में ही हम लिखते हैं तो आपने वहाँ पे फिर उसके जो लेटर्स हैं उन्हें बस कैपिटल कर देना है तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैंने दा यूज़ कर रखा है इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे प्रॉपर नाउन नहीं बल्कि एक डिस्क्रिप्शन है डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि जिस तरह मैं अगर कह देता हूँ आई एम आ टीचर ठीक है अब यहाँ पे ये एक टाइटल है मेरा और इसके साथ मैंने आर्टिकल यूज़ कर रखा है तो इसका मतलब मैं इसको समाल लेटर्स में लिखूँगा डिस्क्रिप्शन हमेशा समाल लेटर्स में लिखी जाती है ठीक है आपने यहाँ पे आर्टिकल दा यूज किया तो आप प्राइम मिनिस्टर को समाल लेटर्स में लिखेंगे अगर आप दा रिमूव कर देंगे तो फिर प्राइम मिनिस्टर्स कैपिटल लेटर्स में आएगा तो द प्राइम मिनिस्टर्स ओथ आप इसे कंसिडर कर लीजिएगा कि ये समाल लेटर्स हैं द प्राइम मिनिस्टर्स ओथ टेकिंग सरमनी सरमनी ठीक है यहाँ पे एपोस्ट्राफी और एस को यूज़ किया गया है जो कि आफ का मैंने यहाँ पे दे रही है ठीक है तो द प्राइम मिनिस्टर ओथ टेकिंग और प्राइम मिनिस्टर की ओथ टेकिंग यानी हज बरदारी की जो तकरीब थी हैज़ ब्रॉडकास्टेड हैज़ यूज़ हमने कर रखा है हैज़ के बाद आपको पता है कि हम हमेशा जाके वर्ब की थर्ड फार्म का इस्तेमाल किया करते हैं तो यहाँ पर यह चीज़ आप ज़रा याद रखिएगा कि यहाँ पर जो एरर है वो यहीं पर है ये यह यहाँ पे ब्रॉडकास्टिड जो था ये गलत है यहाँ पे ब्रॉडकास्टिड नहीं आना चाहिए आपका ठीक है अब क्यों नहीं आना तो भाई आपको अगर वापस की फॉर्म्स पता हैं तो आपने ये पढ़ा होगा कि ब्रॉडकास्ट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है वो ब्रॉडकास्ट की थर्ड फार्म ब्रॉडकास्टड नहीं होती ब्रॉडकास्ट की थर्ड फार्म ब्रॉडकास्ट ही रहती है ठीक है जिस तरह आपने पढ़ा है पुट 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 ठीक है सेम फॉर्म रहती है कट 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 इसी तरह ब्रॉडकास्ट की भी तीनों फॉर्म्स जो हैं वो एक जैसे ही हैं ब्रॉडकास्टेड नहीं होता कोई भी वर्ब जो कास्ट पे एंड होगी ये नोट लिख लीजिएगा वर्ब कोई भी हो जिसकी एंडिंग कास्ट पर हो रही है वो कभी भी डी में नहीं होती उसकी दूसरी और तीसरी फार्म वो हमेशा कास्ट ही रहती है चाहे पहली फार्म हो दूसरी हो या तीसरी हो मसलन फोर कास्ट एक लफ्ज है ठीक है अब फोर कास्टेड अगर आप लिखेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा सिमिलरली ब्रॉडकास्ट भी एक ऐसी वर्ब है जिसके आखिर पे कास्ट आ रहा है ठीक है और हर वो वर्ब जिसके आखिर पे कास्ट आएगा उसके साथ ई हम कभी भी नहीं लगाते तो यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी ब्रॉड कास्टेड की जगह पे ब्रॉड कास्ट ठीक है ई डी यहाँ से रिमूव हो जाएगा ऑन टेलीविजन तो जो सेंटेंस में एरर थी वो पार्ट थ्री में थी तो आपका जो सही आंसर होगा वो ये टिक करेंगे आप आंसर पार्ट थ्री को कि पार्ट थ्री में एरर है तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में आपने एक नई चीज सीखी होगी एक नई चीज जानी होगी वीडियो देखने का दोस्तों बहुत शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज